अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि रमज़ान में किस तरह का डाइट प्लान करना है। तो हम बात करते हैं एक तो सहरी की और एक दूसरा इफ्तारी की बात में, और इफ्तारी में क्या क्या कहना चाहिए और सहरी में किस तरह की ज़ाएँ खाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देखिए, रमज़ान में दो काम सबसे अहम हैं। एक तो रोज़ा रखना, रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है रमज़ान का, और दूसरी तो ये कि तरावी पढ़ना चाहिए, हर दिन तरावी पढ़नी चाहिए। तो कुछ लोग रोज़ा तो रखते हैं लेकिन तरावी नहीं जाते। इसका मकसद है जो भी वो खाए हैं इफ्तारी में वो इसका सबब है। तो हमको ये देखना चाहिए कि किस तरह की हम ग़िज़ाएँ खाएँ इफ्तारी में, ताकि हमको नींद ना आए इफ्तारी इसमें, तरावी जाने के लिए हमको कुछ रुकावट ना बने। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इफ्तारी में क्या क्या ग़िज़ा खा सकते हैं। सबसे पहले जब आप रोज़ा खोलते हैं तो खजूर से स्टार्ट कीजिएगा। डेट्स, खजूर एक या एक से ज़्यादा भी खा सकते हैं, और ये जब आप ज़्यादा खजूर खाते हैं तो ये ग़िज़ा पेट तो नहीं भरेगा इससे, बल्कि जो भी आप रोटी और चावल खाते हैं उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है खजूर। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सुनना भी है कि खजूर खाएं। फिर उसके बाद बात करते हैं, खजूर खाने के बाद एक गिलास वाटर, मिनिमम एक गिलास पानी आपको पीना ही पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी दिन भर पानी से दूर रहती है। तो इसे कंपनसेट करने के लिए आपको मिनिमम एक गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। फिर उसके बाद आप घर में बनाए हुए जूसेस पी सकते हैं, लेकिन आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, दाल आपको ऑयल्स नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, और फिर मिठास भी नहीं खाना है इफ्तारी में। फिर उसके बाद सबसे पहले तो एक बात बताती हूँ कि रोटी और चावल जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं इनको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म करना है, बस कम करना है। हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि रोटी और चावल को कम करें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपको नींद बहुत आती है। और आगे चलकर जब आप एक महीना यही ज़्यादा खाते रहेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ेगा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, ओबेसिटीज़ होगी, फिर उसके बाद डायबिटीज़ के चांसेस भी होंगे, फिर हार्ट अटैक के आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम ये चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों को मेंटेन रखें। रमज़ान का मतलब ये नहीं कि खाएं बहुत ज़्यादा खाएं और एकदम मोटे हो जाएं, ऐसा नहीं है। रमज़ान में अपने आप को, अपनी सेहत को बरकरार रखना है और मेंटेन करना है, क्योंकि देखिए जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि रमज़ान में रोज़ा खोलिए, खजूर खा लिए, एक खजूर खाने के बाद डायरेक्ट बिरयानी पे, रोटी पे कूद पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रोटी और चावल खाएंगे तो ये आपको नींद ज़्यादा नींद लाने के सबब बन सकती हैं, और जिसकी वजह से आप तरावी नहीं पढ़ सकते हो और आगे चलकर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकती हैं। तो ख्याल रखिएगा कि रोटी और चावल को कम से कम करें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं लेना है। जब आप घर में तैयार करते हैं तो ठीक है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं इस कोल्ड ड्रिंक्स में, इसे अवॉइड करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑयल के चीज़ें जो भी हैं उसे भी बहुत बहुत कम करना है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। ऐसा देखिए कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ पकवानों में ज़रूरत पड़ रही है, तो आप एक या दो चम्मच जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं लेना है। फिर क्या ले सकते हैं, दही बड़ा ले सकते हैं, फिर पकोड़े, ये भी कुछ नुकसान नहीं है, ये नुकसानदार नहीं है, आप पकोड़े भी ले सकते हैं, फिर मछली ले सकते हैं, फिर गोश्त ले सकते हैं, फिर लोबिया का चाट ले सकते हैं, फिर सफ़ेद चने के चाट ले सकते हैं, फिर और काले चने के चाट भी आप खा सकते हैं। तो ये आपको खाना चाहिए और खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी और ना कि आप मोटे हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद
ओवरऑल ये बताने का मेरा मकसद है कि आप इफ्तारी में जब आप रोज़ा खोलते हैं तो खजूर से खोलिएगा, हो सके तो 2 या 3 से ज़्यादा भी आप खजूर खाइएगा। फिर उसके बाद ये बहुत अच्छा है, फाइबर भी बहुत इसमें मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद एक ग्लास पानी तो कंपलसरी, मिनिमम आपको पानी तो पीना ही हो। फिर उसके बाद जो भी घर में बनाए हुए हैं शरबत या लेमन जूस बनाए हैं वो पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। फिर पकौड़ी ये सब, फ्रूट सलाद भी खा सकते हैं। ये तो हमारा हो गया इफ्तारी की बात में। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि रमज़ान में सोचते हैं कि हमको इस बार हम पतले हो जाएंगे ऐसा ऐसा, लेकिन हो जाता है कि वो मोटे हो। लेकिन ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि देखिए हम अपनी ग़िज़ा को किस तरह खाना है, सलीके से ग़िज़ा को बांट नहीं रहे, कुछ भी खा रहे हैं, ये भी खा लिए, वो भी खा रहे, बहुत भूखे थे सुबह से रोज़ा लगा था, ऐसा ऐसा बोल के सब लोग खा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, एक सलीके से, एक तरीके से खाना है कि कौन सी चीज़ खाने से हमको फ़ायदा है और कौन सी चीज़ खाने से हमको नुकसान पहुँच सकता है। अब ये नहीं तो आगे चल कर भी कौन सी चीज़ खाने से नुकसान पहुँच सकता है, तो इसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। फिर और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मोटा हूँ, अब पतला हो जाऊँगा, ऐसा अभी मैं अपनी बॉडी को मेंटेन करूँगा। देखिए ऐसा हो रहा है कि हम अपनी ग़िज़ा को, जो भी हम फूड खा रहे हैं, वो नॉर्मल डेज में हम 3 या 4 वक्त में डिवाइड करते थे, लेकिन अब रमज़ान में सिर्फ हम 2 वक्त डिवाइड करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाना है आपको, मिनिमम और जो जितना आपको हो सके और जो जो आपको फ़ायदा पहुँचा रही हैं वो ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सहरी में क्या क्या खा सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ आपको खानी चाहिए। ठीक है, आपको दिन भर भूखा रहना है या रोज़ा रहना है, तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आपको जो भी फूड्स स्लो डाइजेस्ट होंगे वो आपको लेना है। ठीक है, इसमें आता है आपका अंडा आता है, फिर गोश्त आता है, मछली आता है, फिर जो भी दूध से लिए हुए मिल्क डेरिवेटिव सब्सटेंसेस लाइक पनीर या फिर कर्ड, ये सब आपको चीज़ें लेना ही है। क्योंकि आप अगर ये चीज़ें नहीं लें, फिर जल्दी डाइजेस्ट होने की आप चीज़ें लें तो आपको जल्दी भूख क्रेविंग सकते हैं आ सकते हैं, हंगर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंटेंट जिस फ्रूट में ज़्यादा है, जिस फूड में ज़्यादा है वो आपको कंज्यूम करना है। फिर उसके बाद सहरी में इन सब चीज़ों के अलावा आप एक मुट्ठी भर नट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद टी और कॉफ़ी आपको नहीं लेना है, क्योंकि इससे जल्द से जल्द प्यास लगती है, फिर दिन भर आपको प्यास लगेगी, ये चीज़ें अवॉइड करना है। फिर आप बनाना खा सकते हैं, फिर कबाब, पराठे, खीमा और फिर फ्रूट्स सलाद, आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। देखिए रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें आप बहुत सारी नेमतों से नवाजे जाते हैं, इसलिए आपको ये चाहिए कि आप अपनी सेहत को कायम रखें और मेंटेन रखें, ना कि बिगाड़ें। बहुत लोग मोटे हो जाते हैं रमज़ान के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान एक अल्लाह ताला हमको मौका, रमज़ान के ज़रिए से अल्लाह ताला हमको एक मौका देता है कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखें और अपनी सेहत को हेल्दी रखें। ठीक है, ये आपको देखना चाहिए कि किन किन तरीक़ों से हम सेहत रह सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया कि हार्ट अटैक हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओबेस हो गया, ये सब ख़तरनाक बीमारियों से हम बच सकते हैं तब जब हम एक मेंटेन हमारा अपना एक डेली रूटीन बना लें, कि एक अच्छे से डाइट प्लान कर लें कि ये चीज़ें हमको सहरी में खानी है और ये चीज़ें हमको इफ्तारी में खाना है, और जो जो मैंने चीज़ें मना किया है उसे दूर रखिए। इंशाल्लाह आप अपनी सेहत अच्छी कायम रखेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान के आप सब लोग रोज़े रहें और तरावी भी पूरे पढ़ें। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।